नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यून टेक वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको फंक्शंस की के बारे में, जो आपका कीबोर्ड के अंदर या फोन से लेके या फोन तक जो लेबल चिपका रखे है वो की के बारे में बताएंगे। ये कुछ असल फंक्शन करता है, ये डिफाइन करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या एक्टिव प्रोग्राम। जो आप ये फंक्शन की किसी आपका स्पेशल की ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ में भी ये काम करता है। अगर आपके पास लैपटॉप है आपका डेडिकेटेड पर्पस के लिए FN लिखा रखा है, वो FN बटन दबा करके आप F1, F2, F3 में आप काम कर सकते हैं। तो लैपटॉप में वो की डबल फंक्शन करता है, इसलिए आपको फंक्शन की एक्स्ट्रा की दे रखा है उसके साथ में आपको ये काम करेगा। तो हम अभी चलते हैं दोस्तों वीडियो में। उससे पहले आप यदि इस चैनल को नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके हमारा आने वाला वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप देख सकें। चलिए दोस्तों वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले की था F1। F1 की क्या है? आपका हेल्प के लिए। तो मैंने कीबोर्ड में F1 की दबाया, तो F1 की दबाने के बाद आपको ऑटोमेटिक हेल्प फाइल खुल जाएगा। जैसे हमने F1 की दबाया, ये माइक्रोसॉफ्ट का हेल्प यहाँ पे खुल गया। अगर मैंने वर्ड में काम करते करते आपको कोई डाउट हो गया तो वर्ड में आप F1 लगाइए, F1 को प्रेस करते हुए आपका वर्ड हेल्प एंड हाउ टू ओपन हो गया। यहाँ पे आपका सर्च बार में आप कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ इसका अंदर कई सारे टेम्पलेट दे रखे हैं, यहाँ पे आप ओपन करके भी पढ़ के आपका प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। हम अब चलते हैं F2। F2 में क्या, आप किसी भी फाइल को सेलेक्ट करो, उसको बाद F2 दबाएंगे तो आपका फाइल का नाम रीनेम कर सकता है। ये तो आप किसी फोल्डर में रखा, फोल्डर ओपन किया मैंने, यहाँ पे ये फोल्डर है, इसको रीनेम करना, तो F2 दबा दीजिए, आपको ये फोल्डर रीनेम हो जाएगा। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम करते करते आपको 2 दबाएंगे तो आपका एक्टिव सेल एडिट करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू में चला जाएंगे। कंट्रोल F2 दबाएंगे तो आपको राइट साइड में प्रिंट प्रीव्यू आपका खुल गया। ये आपका वर्ड में भी कंट्रोल F2 दबाइए, मैं कंट्रोल प्लस F2 दबाया, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो गया। ये था आपका F2 का। इसके अलावा F2 आपका जब कंप्यूटर बूट होता है उस टाइम आपको बायस में एंटर होने के लिए कहीं कहीं कंप्यूटर या डेस्कटॉप में ये आपको काम करता है, उस टाइम भी आप F2 की प्रेस करके जा सकते हैं। F3 की आपको कोई भी फाइंड करने के लिए या सर्च फ्यूचर प्रोग्रामिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सर्च करने के लिए आपको काम करेगा। अगर वर्ड में काम कर रहे हो, शिफ्ट F3 दबाएगा तो आपका ये अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस में चेंज हो जाएगा। आप पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्लस F3 दबाएगा तो ये ऑटोमेटिक केस आपको चेंज होंगे। और एक्सेल में आप काम कर रहे हो, एक्सेल में काम करते समय शिफ्ट प्लस F3 दबाएगा तो आपका फंक्शन इंसर्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, यहाँ पे ये काम आपको करेगा। F4 की हमेशा किसी एक अल्टरनेटिव की के साथ में काम करता है, कंट्रोल या आल्ट के साथ में। कोई भी एक्टिव बार को क्लोज करना है उसके लिए आप कंट्रोल प्लस F4 दबाएंगे, वो आपके एक्टिव टैब क्लोज हो जाएंगे। अगर आल्ट के साथ में काम कर रहे हैं, ऑल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो आपको सिस्टम शटडाउन होने के लिए लेकर रह जाएगा। या आपको कोई भी फाइल में काम कर रहे हो, ब्राउजर में काम कर रहे हो, ऑल्ट F4 दबाएंगे तो ब्राउजर क्लोज हो जाएगा, उसके अंदर जितना भी टैब लगा हुआ वो सारे टैब एक साथ क्लोज हो जाएंगे। F5 क्या, आपको विंडोज़ को रेफ्रेश करने के लिए। और पावर पॉइंट में काम कर रहे, मैं पावर पॉइंट ओपन किया, यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन किया, पावर पॉइंट में आप F5 दबाओगे तो आपको स्लाइड शो में आ जाएगा। और यहाँ कंट्रोल F5 दबाओगे तो आपको वेब पेज को रेफ्रेश करने के लिए, अभी मैंने कंट्रोल F5 दबाया, पूरा पेज रेफ्रेश होंगे। इसके अलावा फाइंड एंड रिप्लेस,
एमएस वर्ड में आप काम करते करते F5 दबाओगे, आपको फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन खुल जाएंगे। हमारा अगली की था F6 है। F6 क्या आपको एड्रेस बार को लेकर जाएगा, आप एड्रेस पर हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑटोमेटिक आपको एड्रेस बार में लेके जाएगा। हमारा नेक्स्ट की था F7। F7 आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए, अभी हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, मैं एक शॉर्टकट लिख रहा हूँ, RAND 3 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ, कई सारे जगह गलत कर रहा हूँ, इन कट करके ये और यू यस, तो अभी मैंने इसको अंदर कुछ गलत किया हूँ, अभी हम स्पेलिंग चेक करना F7 को लिखा, F7 में यहाँ पे देखिएगा लुक्स आट, यहाँ पे आट सेलेक्ट करो, चेंज कर दीजिए, उसके बाद गैलरीज में स्पेलिंग गलत था, यहाँ पे चेंज कर दीजिए, उसके बाद गैलरी ऑन टी, यहाँ पे टी आ रखा था, यहाँ पे डी आना चाहिए, यहाँ चेंज कर दो, उसके बाद आर यू ईस लिखा था यू आर, यहाँ पे हमने ग्रामेटिकली गलत था, यहाँ पे चेंज कर दो, इसके बाद यू आर ईसीली चेंज, यहाँ पे ग्रामेटिकली चेंजड, और यू कैन ऑल्सो गलत था, ये आपका स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए एक आसान तरीका था आपको F7। ये आपका वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में भी आपको ये काम करेगा, अगर पावर पॉइंट वर्ड में आप काम कर रहे हो, पावर पॉइंट में आपको कुछ लिखना ऑल आर वेल, यहाँ पे आप F7 मारोगे, F7 ये ऑटोमेटिक चेक कर लिया, यहाँ पे मैं आल आर कर दिया, F7 के ऊपर क्लिक किया, आर गलत था, यहाँ पे चेंज कर सकता है, ये आपका एक आसान तरीका से F7 यहाँ पे काम करेगा। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट की F8। तो फंक्शन की F8 हमेशा आपको स्टार्टअप मेन्यू में काम करते हैं, किसी वर्ड में आप काम कर रहे हो, वर्ड में काम करते करते F8 लगाओगे, आपको डॉक्यूमेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा, F8 दबाने के बाद आपको एक बार F8 दबा दिया, यहाँ कर्सर आपको यहाँ पे रहे और F8 दबा करके चेंज तक जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, आप इसीलिए कट पेस्ट कर सकता है। हम अभी चलते हैं F9। F9 आपका बूट मेनू में काम होता है, बूट मेनू में आपको USB ड्राइव से बूट करना या हार्ड डिस्क से बूट करना, उसके लिए आप यहाँ पे F9 की से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट की हमारा F10। तो F10 में आपको अगर मान लो वर्ड में काम कर रहे, वर्ड में आपको F10 दबाओगे, आपका जो रिबन है रिबन के अंदर हाईलाइट हो जाएंगे, उस लेटर को आप क्लिक करेंगे तो अगर मान लो मेरे को व्यू में जाना W क्लिक करेंगे तो व्यू के अंदर जितना भी टैब है ग्रुप टैब्स वगैरह खुल जाएंगे। इसके बाद आपका F11 की था, आपका F11 की आपको फुल स्क्रीन मोड में चेंज होने के लिए, और दोबारा F11 दबाओगे तो फुल स्क्रीन से नॉर्मल स्क्रीन आ जाएगा, और ये F9 आपका मीडिया प्लेयर में भी ये आपको काम करता है। हमारा लास्ट की था F12 आपको डायरेक्ट क्लिक करेगा तो सेव एस में जाएगा, और या आपको कंट्रोल प्लस F2 करोगे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आपको ये काम करेगा, कंट्रोल शिफ्ट F12 दबाएंगे तो आपका प्रिंट ऑप्शन में लेके जाएगा। ये था आपका F12 की का अंदर फंक्शन था। इतना ही दोस्तों आज के वीडियो में, इस वीडियो के अंदर आपका कोई भी डाउट होंगे आप हमारा कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट मैसेज कीजिए, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करके हमारा आने वाला वीडियो का भी नोटिफिकेशन आप देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।